जी, ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 है, डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डीजीजेल का। इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 14 में, थर्मामीटर इज टेकन फ्रॉम इनसाइड रूम टू आउटसाइड वेयर देयर टेम्परेचर इज 5 डिग्री। तो सबसे पहले इक्वेशन इसकी लिखते हैं। ये हमारे पास है डी टी ओवर डी टी, टी मीन्स टेम्परेचर, के इंटू सर टी माइनस टी एम। ये हमारे पास न्यूटन कूलिंग लॉ होता है। इसमें सर अब टी एम जो है हमारे पास क्या होगा, जहाँ पे हमने थर्मामीटर को रूम से बाहर आके रखा है, तो वो वाला टेम्परेचर हमारे पास टी एम होता है। ये हमारे पास है 5 डिग्री, ठीक है। तो सर इसमें एक्सक्यूज मी डी टी ओवर डी टी इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस 5, ठीक है। तो इसके सिंपल इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर टी माइनस 5 डी टी इज इक्वल टू के इंटू डी टी। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगी, टी माइनस 5 इक्वल टू के टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी प्राइम। ये नेचुरल लॉग बनता है क्योंकि इसकी होल की पावर 1 है और इसका डेरिवेटिव तो मौजूद है। अब लॉग को ख़त्म करने के लिए हमारे पास जो टूल है वो है नेचुरल लॉग, टी माइनस 5 ई। दोनों तरफ ई लगा दिया, ई पावर के टी प्लस सी प्राइम, ये कैंसल, यह बन जाएगा टी माइनस 5 इज इक्वल टू ई की पावर के टी और सी प्राइम ई पावर सी प्राइम। ये दोनों हमारे पास कांस्टेंट है, तो आंसर आ जाएगा टी इज इक्वल टू माइनस 5 है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, और इसको हम दोबारा सी का नाम दे देते हैं, ई की पावर के टी। ये तो हमारे पास आ गई इसकी इंटीग्रेशन के बाद वैल्यू। अब इसमें दो सर दोबारा समझा हमारे दें। पास हैं, इसमें हमारे पास दो कांस्टेंट हैं, एक कांस्टेंट सी है और एक कांस्टेंट हमारे पास के है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों वैल्यू निकालने के लिए आगे हमने इसने हमें क्वेश्चन में उसने बताया है, आफ्टर 1 मिनट द थर्मामीटर रीड्स 55 डिग्री, मीन्स 1 मिनट के बाद ये हो जाता है 55 डिग्री। इसी तरह से एक और कंडीशन बताई है, वो हम बाद में देखते हैं। तो 1 पुट करेंगे इसमें, यहाँ पे ये आ जाएगा टी ऑफ 1, ये टाइम दिया हुआ है टी इक्वल टू 1, ये हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस सी ई पावर के इंटू 1। टी ऑफ 1 हमें दिया हुआ है 55 डिग्री, 55 इक्वल टू 5 प्लस सी ई पावर के, ये हमारे पास आ जाएगा, ये बन जाएगा 50 इक्वल टू सी ई की पावर के। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब दूसरी कंडीशन उसने बताई है, आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद जो इसकी डिग्री है 30 डिग्री रीड करता है, टी ऑफ 5 इज इक्वल टू 30। तो इसी तरह इसमें पुट कर देंगे क्वेश्चन में, यहाँ पे इसमें, ठीक है, याद आएगा 30 इज इक्वल टू 5 प्लस सी ई पावर के इंटू 5, ठीक है, टी की जगह 5 पुट करना है, यहाँ से हमें पता चल गया था। ये हमारे पास आ जाएगा 30 माइनस 5 25 इज इक्वल टू सी ई की पावर 5 के। तो जी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने ये इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करके ना सी की और के की वैल्यू निकालेंगे, ये दोनों अननोन है। अब इनिशियल कंडीशन दी होती तो फिर इजीली हमें सी निकल आता है, अब क्योंकि इनिशियल कंडीशन दी हुई नहीं है इसलिए इनको कहते होते हैं बाउंड्री कंडीशन, वो दी हुई है। अब हमने 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करके ये वैल्यू निकालनी है। इसके लिए अब हम देखें तो क्या करेंगे भला, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ इक्वेशन 1 में से ई पावर के की वैल्यू निकाल लेते हैं और 2 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये आ जाएगा हमारे पास 50 ओवर सी इज इक्वल टू ई पावर के, पुट इन इक्वेशन 2 कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2, 2 में पुट कर देंगे, 2 हमारे पास है ये 25 इक्वल टू सी ई पावर 5 t। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, सी ई की पावर 5 के, ये आ जाएगा 25 c इंटू ई की पावर 5 k है, के ऐसे लिख देते हैं, पावर में लगा देते हैं 5, ठीक है जी।
तो सॉल्यूशन हमारे पास इसका जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 25c। अब e पावर k की वैल्यू क्या है वो देखें, वो है 50/c। यहाँ पुट कर दें 50/c पावर में क्या आ गया इसके 5, ठीक है, पावर में आ गया 5, यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 इक्वल टू c, 50/5/c की पावर 5, यह आ जाएगा 25/50/5, सी से सी कैंसिल तो 1/c/4 आ जाएगा। लो जी इसको सॉल्व करते हैं, कुछ ना कुछ मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ। ये आ जाएगा फिर 25/50 है, 50 × 50 × 50 × 50 × 5 टाइम है, ठीक है, × 1/c/4, ये आ जाएगा 5 × 2020। अब हमारे पास टोटल 54 बच गए हैं, ठीक है, 1/2 × 50/4 आ गए, इक्वल टू 1/c/4, स्क्वेयर फिर फोर्थ रूट लगा देंगे दोनों तरफ, फोर्थ रूट, तो ये बन जाएगा 1/2 की पावर 1/4, और यहाँ सिर्फ 50 इक्वल टू 1/c रह जाएगा। तो यहाँ से c की वैल्यू इजीली आ गई, 2 की पावर 1/4 × 50, या 50 × 2 की पावर 1/4। तो मजीद थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करके वैल्यू इसकी आ सकती है, हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम किधर करते हैं, इसको पुट कर देते हैं कहाँ पे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, 1 में पुट करें, 1 हमारे पास है 50 इक्वल टू c e की पावर k। 50 इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास आई है 50 × 2 की पावर 1/4 e की पावर k। 50 से 50 कैंसिल, 1/2 की पावर 1/4 e की पावर k। अब k के लिए दोनों तरफ नेचुरल लॉग लगा देंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर -1/4 बटे में है ऊपर चला जाएगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर k, ये कट गया, ये आ जाएगा -1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 2 इक्वल टू k। ये दोनों वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं जो ओरिजिनल इक्वेशन थी ये वाली, t इज इक्वल टू 5 + c e की पावर kt, तो पुट कर देते हैं इधर, पुट वैल्यू ऑफ सी एंड के इन टी इज इक्वल टू 5 + c e की पावर kt, ठीक है, 5 + c की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, सी की वैल्यू आई है 50 × 2 पावर 1/4, और ई पावर के की वैल्यू आई है -1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 2 -1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 2, और इन सब के साथ ये टी भी है। ले जी ये वैल्यू आ गई। अब अगले स्टेप में हमें क्या कहता है कि आपने क्या करना, अगले स्टेप में कहता है फाइंड द, क्या कहता है जी, कहता है व्हाट इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द इनसाइड रूम, इनसाइड रूम के अंदर जो इनिशियल टेम्परेचर है वो क्या होगा। इनिशियल टेम्परेचर मीन्स हमारे पास उस वक्त जो इनिशियल टेम्परेचर मीन है कि उस वक्त जो टाइम था वो क्या था। इनिशियल में टाइम हम जो लेते हैं वो जीरो होता है, ठीक है, हमेशा, तो जब टाइम जीरो था तो टेम्परेचर क्या होगा वो निकालना है। तो सवाल बड़ा आसान हो गया, टी की जगह जीरो लगाने से आसानी से हल हो जाएगा। तो यहाँ टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू 5 + 50 × 2 पावर 1/4, यहाँ जीरो लगाएंगे ना, e पावर -1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 2, और इधर टी की जगह जीरो लगा दी, ये सारा 1 हो जाएगा, 5 + 50 × 2 पावर 1/4, ये सारा 1 हो गया। बस इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल के ऐड कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखें। अल्लाह हाफिज़।